नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। उत्तराखंड के जोशीमठ को सरकार ने आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है। जोशीमठ और आसपास के इलाकों में कंस्ट्रक्शन बैन कर दिया गया है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने रविवार को जोशीमठ को लेकर एक हाई लेवल मीटिंग की। केंद्र ने तुरंत लोगों को शिफ्ट करने का एक्शन प्लान तैयार किया है। यहाँ 603 घरों में दरारें आई हैं। ज्यादातर लोग डर के चलते घर के बाहर ही रह रहे हैं। किराएदार भी लैंडस्लाइड के डर से घर छोड़कर चले गए हैं। अभी तक 70 परिवारों को वहां से हटाया गया है, बाकियों को हटाने का काम जारी है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो रिलीफ कैंप में चले जाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन कर जानकारी ली। धामी ने बताया कि पीएम ने कई तरह के प्रश्न पूछे, जैसे कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं, कितने का नुकसान हुआ है, लोगों के विस्थापन के लिए क्या किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। पीएमओ से मीटिंग के दौरान एक्सपर्ट्स ने जोशीमठ में बड़े रिस्क की आशंका जाहिर की है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ब्लास्टिंग और शहर के नीचे सुरंग बनने की वजह से पहाड़ धंस रहे हैं। अगर इसे तुरंत नहीं रोका गया तो शहर मलबे में बदल जाएगा। सुखवीर सिंह संधु ने कहा है कि हमारी कोशिश है कि बिना किसी नुकसान के लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कराया जाए। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक यह पता लगाने में लगे हुए हैं कि लैंडस्लाइड को रोका कैसे जा सकता है, जल्द ही समाधान ढूंढ लिया जाएगा। इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाने की शुरुआत कर दी गई है। हालांकि अभी के हालात को देखते हुए लोगों को डेंजर जोन से निकालना जरूरी समझा जा रहा है। ज्योतिष मठ के शंकराचार्य जगतगुरु स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की है। उन्होंने कहा है कि पिछले एक साल से जमीन धंसने के संकेत मिल रहे थे, सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ऐतिहासिक, पौराणिक और सांस्कृतिक नगर जोशीमठ खतरे में है। NTPC ने एक बयान में कहा है कि NTPC की बनाई गई सुरंग जोशीमठ शहर के नीचे से नहीं गुजरती है। यह टनल एक टनल बोरिंग मशीन द्वारा खोदी गई है और वर्तमान में कोई ब्लास्टिंग नहीं की जा रही है। जोशीमठ के मनोहर वार्ड के लोगों ने SDM कुमकुम जोशी के पुराने बयान जमकर बवाल मचाया है। कुमकुम पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। लोगों ने SDM को उनका बयान याद दिलाया कि उन्होंने कहा था कि जब छत गिर जाए तो आ जाना, 5,000 रुपये मिलेंगे। हालांकि SDM ने ऐसे किसी भी बयान से इनकार किया है। वो बोली कि ऐसा कुछ मैंने कहा ही नहीं है। लोगों का दर्द बांटने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रविवार को जोशीमठ पहुंचे थे। लोग उनके सामने बिलख बिलख कर रोने लगे। महिलाओं ने उन्हें घेर लिया। वे बोली, हमारी आंखों के सामने ही हमारी दुनिया उजड़ रही है, इसे बचा लीजिए, हमें अपने घरों में रहने में डर लग रहा है।